सो हाय गाइस, वेलकम टू ज्ञान यार। दोस्तों आज हम जानेंगे फेनिटोइन इंजेक्शंस के बारे में, फेनिटोइन टेबलेट्स के बारे में कि भाई ये कहाँ यूज़ होती हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट हैं, क्या इसका डोज होता है, ये सब आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। सो देखते रहिए। उससे पहले रिक्वेस्ट है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक भी करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलती है। सो शुरू करते हैं दोस्तों। यहाँ फेनिटोइन जो है बहुत ही कॉमन एक ड्रग मॉलिक्यूल है, जो कि एक एंटी एपिलेप्टिक ड्रग या एपिलेप्टिक एजेंट कहलाता है, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ एंटी एपिलेप्टिक ड्रग नहीं बोल सकते आप, क्योंकि ये बहुत सारी जगह पे यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो पहले जान लेते हैं भाई, आपको जो फेनिटोइन है किन किन फॉर्म में मिलता है मार्केट में। दोस्तों इसका टैबलेट भी आता है, कैप्सूल भी आता है, सिरप फॉर्म में भी आता है, मतलब सस्पेंशन आता है, और इंजेक्शन फॉर्म में भी आता है। तो ये चारों फॉर्म्स में अवेलेबल रहता है, बच्चे बूढ़े सबको दिया जाता है। सस्पेंशन आ रहा, जाहिर सी बात है बच्चों को भी दिया जाता है। तो इसके ब्रांड्स बता दूँ मैं आपको, आपको थोड़े जानने में आसानी होगी। देखो भाई, इसका ब्रांड आता है दोस्तों एटोइन होता है, और एपिसुलिन और एप्सुलिन आता है, बहुत फेमस दोस्तों एप्टोइन, एमटोइन और किप्टोइन। ये कुछ ब्रांड्स हैं जो आपको देखने को मिल सकते हैं मार्केट में, टैबलेट के फॉर्म में, इंजेक्शन के फॉर्म में, सस्पेंशन में, कैप्सूल्स में। सो अब बात करेंगे दोस्तों, ये जो एंटी एपिलेप्टिक एजेंट है, ये जाहिर सी बात है एंटी एपिलेप्टिक एजेंट है तो काम कैसे करेगा, ये झटके वगैरह को कम कैसे कर देता है। देखो भाई, ये क्या होता है, जब भी कोई बॉडी के अंदर सीजर्स आते हैं, मतलब झटके आते हैं, मिर्गी के दौरे या कुछ भी बोल रहे हैं आप, ये क्यों आते हैं, हमारे ब्रेन से इम्पल्स निकलते हैं, हमारे ब्रेन में से जो नर्व्स के थ्रू इम्पल्स निकलते हैं बहुत तेज तेज, किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में, पर्टिकुलर कंडीशन में। तब ये क्या होता है, ये जब भी आप फेनिटोइन लोगे तब क्या होगा, ये उन इम्पल्स को स्लो डाउन कर देता है, ठीक है ना। इसका पूरा सिंपल वर्क है, उन इम्पल्स को जाके स्लो कर देगा। जब इम्पल्स स्लो हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है उसके दोहरे भी ख़त्म हो जाएंगे, जो झटके वगैरह आ रहे थे वो ख़त्म हो सकते हैं। तो इसका काम करने का बिल्कुल सिंपल सा मेथड है, मोड ऑफ एक्शन की बात करें, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, तो ये स्लो डाउन करता है सिर्फ इम्पल्स को, फेनिटोइन। अब बात करेंगे भाई इसका कहाँ कहाँ यूज़ होता है। दोस्तों जब भी किसी व्यक्ति को फेनिटोइन देते हैं तो डॉक्टर्स कहाँ कहाँ दे सकता है, ट्राइजामाइनल जो न्यूरोल्जिया होता है, ट्राइजामाइनल न्यूरोल्जिया क्या होता है, चेहरे की मसल्स में दर्द होने लगता है, आदमी का चेहरे की जितनी भी मसल्स होती हैं, नसें वगैरह, उनमें दर्द होने लगता है, उसे बोलते हैं ट्राइजामाइनल न्यूरोल्जिया। अधिकतर ये जबड़े की नसों में बहुत पेन होता है, सुन्नपन आ जाता है। दूसरा यहाँ पे दोस्तों एपिलेप्सी, जाहिर सी बात है मिर्गी का अगर किसी को दौरे आ जाते हैं अचानक से तब उसको देते हैं। तीसरा है दोस्तों यहाँ पे पैनिक अटैक, पैनिक अटैक का मतलब क्या होता है कि अचानक से घबराहट हो जाना, लड़ाई देख ली, सामने लड़ाई चल रही थी, आप घबरा गए, आप अलग बेहोश हो गए, या आपको अलग झटके आने लगे, तो कप कप ही आने लगी, इसे बोलते हैं पैनिक अटैक। या कुछ भी सिचुएशन में क्या होता है, आदमी का एकदम से हार्ट बीट बढ़ गई, अचानक से क्या होता है, हम देखते हैं बड़े बुजुर्गों घर में कि वो बैठे बैठे उन्होंने कुछ टीवी सीरियल देखा और उनको अचानक से कुछ हो जाता है, तो इसे बोलते हैं पैनिक अटैक कि भाई ये कुछ बड़ी चीज़ नहीं थी लेकिन उनको हो गया। तो पैनिक अटैक मतलब अचानक से आने वाला एकदम से झटका, और झटके के दौरान कुछ भी हो सकता है। उस कंडीशन में दे सकते हैं, और इरेगुलर हार्ट बीट, तो भाई यहाँ पे कई बार क्या होता है, जो हम ईसीजी में देखते हैं इरेगुलर हो जाती है हार्ट बीट, तो हार्ट रेट जो होती है वो रेगुलर हो जाती है, मतलब प्रॉपर वे में नहीं चलती, तो उसको कंटिन्यू, उसको रेगुलर करने के लिए भी यहाँ फेनिटोइन दिया जा सकता है इंजेक्शन के फॉर्म में। तो अब आपको बता दिया कि भाई सिर्फ और सिर्फ एपिलेप्सी के लिए नहीं है, आप बहुत सी जगह पर इसका यूज़ देखने को मिलेगा। तो अब बात करते हैं एक एक्स्ट्रा कि भाई क्या है कि देखो भाई, ये हार्ट रेट को रेगुलर कर रहा है, तो आप सोचो ये कितना ज़्यादा डीपली वर्क कर रहा है, आपके ब्रेन इम्पल्स को ये इफेक्ट कर रहा है। तो कभी भी खुद की मर्जी से इसको नहीं लेना है। अधिकतर देखता हूँ लोग जाते हैं, चार गोली ले ली, पाँच गोली ले ली, डिब्बी में खुलवा के ले लेते हैं, और उनको लगता है हाँ ठीक है हम खिला देंगे अपने हिसाब से, कहीं जा रहे हैं तो रख लेते हैं पटक ली जेब में और ये जा रहे हैं, तो ये गलत है। आप एक बार डॉक्टर से कंसल्ट जरूर से करें कि भाई आपको झटके वगैरह आ रहे हैं तो आप एक बार डॉक्टर को दिखा लो ना, आपको परिस्थिति का पता होना चाहिए कि आपको कब लेना है कब नहीं लेना है, लेकिन लोग अपने मन से लेते हैं इसको, मैंने देखा अधिकतर ऐसा होता है। अब बात करें दोस्तों इसके डोजेस की कि भाई ये कितना दिया जाता है एक व्यक्ति को। दोस्तों ये 100 मिलीग्राम दे सकते हैं आप सुबह शाम, 100 मिलीग्राम सुबह शाम, ये टैबलेट की बात कर रहा हूँ, और 5 ml सस्पेंशन दे सकते हैं। इंजेक्शन रहता है दोस्तों वो भी लगाया जा सकता है, जब सीरियस कंडीशन होती है, सीवियर कंडीशन होती है, किसी को झटके वगैरह आ रहे हैं, बहुत तेज बंद नहीं हो रहा है, या किसी को पैनिक अटैक आ गया, उसकी हार्ट रेट जो है रेगुलर हो गई है, उसकी हार्ट रेट समझ में नहीं आ रही है, तब उस कंडीशन में इंजेक्शन लगाया जा सकता है डॉक्टर्स के द्वारा। और
और दोस्तों यहाँ पे कुछ ड्रग इंट्रैक्शन की बात की जाए दोस्तों, तो एमिनोडोरोन एक ड्रग होता है, उसके द्वारा इसको अफेक्ट किया जा सकता है। तो कभी भी ध्यान रखें, एमिनोडोरोन नाम का ड्रग के साथ इसको नहीं लेना। साथ ही एस्ट्रोजन वगैरह कुछ हार्मोनल पिल्स चल रही हो किसी महिला की तो भी वो ना ले इसको। डाइसल्फिरम वगैरह के साथ नहीं देना। और साथ ही कुछ फंगल इन्फेक्शन की दवाइयाँ होती हैं जैसे कि ट्राकोनाजोल, कीटोकोनाजोल, अगर ये दवाइयाँ चल रही हैं तब भी आपको फेनेटोन इंजेक्शन टैबलेट सिरप नहीं लेना है, ठीक है। ये ड्रग इंट्रैक्शन हो जाएगा तो आपको दिक्कत देखने को मिलेगी। बात करें कॉन्ट्राइंडिकेशन की, देखो भाई प्रेगनेंसी में सेफ रहता है लेकिन फिर भी गायनेकोलॉजिस्ट की सलाह ज़रूरी है, ठीक है। कई बार महिलाओं को आ जाते हैं झटके प्रेगनेंसी के दौरान, तब लगा सकती हैं गायनेकोलॉजिस्ट, आपको देखने को मिलेगा। दूसरा ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होती लेकिन फिर भी आपको डॉक्टर की सलाह ज़रूर से लेना है। उसके बाद बात की जाए दोस्तों लिवर, किडनी, हार्ट, इन पे इसका कोई इफेक्ट नहीं होता है, आपको इनकी कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि इनको पहले से कोई बीमारी ना हो। लिवर, किडनी और हार्ट में पहले से कोई बीमारी नहीं होना चाहिए, अगर है तब ये नहीं देना। अदरवाइज आपके जो ऑर्गन हैं लिवर, किडनी, हार्ट, ये हेल्दी हैं तो आप ले सकते हो। तो दोस्तों अब बात करेंगे कि इसके साइड इफ़ेक्ट क्या क्या हो सकते हैं। दोस्तों अनैच्छिक गतिविधि, शरीर अपने आप कुछ भी करने लगेगा, व्यक्ति जा रहा होगा उसका शरीर आड़ा हाथ पर जो है इधर उधर फेंकने लगेगा। एक कंडीशन होती है दोस्तों जिसे बोलते हैं निस्टागमस, इसमें क्या होता है इनवॉलंटरी आई मूवमेंट्स, मतलब आंखें टेढ़ी हो सकती हैं, इधर उधर देखने लगता है आदमी, उसको पता नहीं चलता है वो कर क्या रहा है, चक्कर आ जाते हैं, उल्टियाँ हो जाती हैं और साथ ही सिरदर्द होता है। तो ये इसके कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट हैं, यहाँ तक कि वर्टिगो भी हो जाता है। तो वर्टिगो पे हम बहुत जल्द वीडियो बनाएंगे, वर्टिगो को एक्सप्लेन करेंगे क्या है वर्टिगो। सो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और नहीं आया तो डिसलाइक कर सकते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करो क्योंकि ऐसे ही वीडियो आपको डेली मिलते रहेंगे। सो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।